सुमेरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों और सहायिकाओं के साथ ग्राम साथनों की साझा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मानदेय कार्मिकों को नियमित करने के साथ ही मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान राजस्थान महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटेलाल बुनकर ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करे, न्यूनतम मजदूरी के समान मासिक मानदेय 18,000 रुपए किया जाए। कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि सरकार बनने पर हम कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगिनी ग्राम साथिन को नियमित राज्य कर्मचारी बनाएंगे, क्योंकि 2.5 साल निकल गए, बाकी अब तक नियमित करने की कोई बात ही स्पष्ट सामने नजर नहीं आ रही है। तो हम चाहते हैं समय रहते हुए साल भर के अंदर अंदर नियमित करने की घोषणा करें। आज हमने मीटिंग करके पूरे प्रदेश का हम दौरा कर रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि एक जयपुर में एक रैली निकाल कर एक ग्रेजुएशन करके हम सरकार के सामने रखें, हमारी संख्या का संख्या बल दिखाकर नैतिक दबाव बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे।